हेलो एवरीवन, आइसोमेरिज्म में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए देखिए एक टॉपिक और लिया हूँ, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4। मतलब उपसहसंयोजी यौगिक जिसमें उपसहसंयोजन संख्या 4 वाले संकुल में त्रिविम रसायन। अब पहले ही हम उसको समझना है कि उपसहसंयोजन संख्या 4 किस किस में आता है, कौन कौन सा है उपसहसंयोजन संख्या 4। तो देखिए दो कॉम्प्लेक्स इसके अंतर्गत आएंगे कि एक तो होता है चतुष्फलकीय संकुल, हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकीय संकुल। हम किसकी बात कर रहे हैं, उपसहसंयोजन संख्या 4 वाले संकुल का। चतुष्फलकीय संकुल एक कैटेगरी है इसका, जिसको हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये एक कैटेगरी हुआ। और इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन नंबर चार में ही एक और आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वर्ग समतलीय संकुल, हिंदी में वर्ग समतलीय संकुल, इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं स्क्वायर प्लेनर। ओके, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। दोनों के दोनों में जरल फॉर्मूला जो है वो ML4 टाइप है, दोनों के दोनों में, इसमें भी इसमें भी। लेकिन इसका जो शेप है थोड़ा सा ऐसे होता है, अलग होता है इस तरह से, और इसका जो शेप है बिल्कुल स्क्वायर जैसा होगा, ये लो ऐसा इसका शेप होगा, मेटल और ये लिगेंड। ठीक है भाई, यहाँ पर मेटल सेंटर पे और ये लिगेंड ऐसा किनारे पे। तो ये है दो टाइप के कंपाउंड। अब मैं दोनों में यहीं पर कुछ कुछ बातें समाप्त कर दूंगा, जो बच जाएगा उसको आगे कंटिन्यू करूंगा। तो पहली बात ये है कि जो कॉम्प्लेक्स हम बात कर रहे हैं दो, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, उनमें हमको स्टीरियो आइसोमेरिज्म बात करना है। जरा गौर से सुनिएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में शेप का अंतर है, है ना, इसका जो ओरिएंटेशन है शेप। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स किस तरह से होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में जरा समझिए। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो दोनों में दो दो पॉइंट लिखाऊंगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, वो टू लाइनर क्या होगा, दो लाइन क्या होगा, ये उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड कर देगा। जैसे इसका पहला पॉइंट, इधर का पहला पॉइंट लिखाता हूँ टेट्राहेड्रल में। हमको कौन कौन सा आइसोमेरिज्म की बात करना है वो भी क्लियर रखना, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। हम कौन सा आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल बात करना है। तो पहले बात करते हैं ज्योमेट्रिकल देन ऑप्टिकल का। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के सेंस में यहाँ याद रखना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता। TD लिख दिया, समझ जाना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता, नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ जो दो ग्रुप है ना, वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑलवेज सिस होता है, कभी ट्रांस होता नहीं है। बिकॉज, अब यहाँ से लिख देता हूँ, बिकॉज ऑल पोजिशन आर सिस टू ईच अदर। कहने का मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो सारे पोजीशन होते हैं वो सिस होता है। ये पहला पॉइंट हुआ। क्या लिखा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज ऑल पोजीशन आर सिस टू ईच अदर, सभी एक दूसरे का सिस है, कोई ट्रांस है ही नहीं। यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ कि यह कभी क्या ज्यामितीय समवयता नहीं दर्शाता। ये लो हिंदी में लिख दिया भाई। क्यों? क्योंकि सभी स्थितियां, सभी लिगेंड एक दूसरे के सिस होता है। ये पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लाइन है पहला। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आता हूं। कैसे समझे इस बात को, जरा देखिए, एक एग्जांपल बनाता हूं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करता हूं, है ना। एक अलग अलग कलर के पेन को ले लेता हूँ इस तरह से, और एक ब्लैक कलर पीछे लगा देता हूँ इस तरह से। अगर थोड़ी बहुत भी दिखाई दे जाए सेब जैसा तो काफ़ी रहेगा। सॉरी, हाँ ये देखें, लगभग आसपास, एग्जैक्ट तो नहीं दिखा पाएंगे ऐसा, लेकिन लगभग आसपास हमको दिख जाए तो काफ़ी है। ये इस तरह से कुछ टेट्राहेड्रल शेप होता है। तो यहाँ इसको भी देखोगे तो इसके रेस्पेक्ट में 109 डिग्री, इसके रेस्पेक्ट में 109 डिग्री, इसके रेस्पेक्ट में भी 109 डिग्री। तो
कि ट्रांस कहाँ से बोलूँ, हर पोजीशन से इस है, चाहे ग्रुप को इधर से बदल के इधर कर दे तो भी एंगल नहीं बदला। तो इसलिए यहाँ पर बोलते हैं एक ही स्थिति संभव है, एक से ज़्यादा स्थिति संभव नहीं, तो ट्रांस कहाँ से हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल में यह संभव नहीं है। अच्छा, बात अब दूसरी कर लेते हैं। दूसरा कैसे, प्रकाशी समवयता का ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी समझ गए थोड़ा सा क्या होता है, है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एक ही स्थिति में होता है, है ना। सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऐसे शॉर्ट में लिखा हूँ OI, सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ओनली वेन ऑल फोर लिगेंड्स आर डिफरेंट। ये एक ही स्थिति में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देता है जब सारे के सारे लिगेंड डिफरेंट हो, है ना। यहाँ लिख देता हूँ कि केवल तब जब सभी लिगेंड भिन्न हो, प्रकाशीय समवयता दर्शाता है। प्रकाशीय समवयता दर्शाता है, क्या मतलब हुआ इसका कहने का? इसका कहने का मतलब ये हुआ, अब इसके थोड़ी डिटेलिंग को थोड़ा सा आगे समझाऊंगा अगले पेज में। हाँ, इसका मतलब है जब MABCD इस तरह का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो तभी ये संभव है। अब इसका थोड़ा डिटेलिंग है ना, उसको थोड़ा सा वेट करें, आगे भी समझा देता हूँ, या हल्का सा समझ भी सकते हैं कैसे, क्यों इस स्थिति में, क्योंकि इस स्थिति में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, ये इसका कारण है। चलिए यहीं पर ख़त्म हो जाएगा ये। जरा देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, मैं फिर से अगर टेट्राहेड्रल को उसी तरीके से शो करने की कोशिश करता हूँ जैसा अभी थोड़ी देर पहले शो किए थे। सपोज ये टेट्राहेड्रल है ऑलमोस्ट, तो अगर सभी जैसे यहाँ पर कलर अलग अलग दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन, रेड, ब्लू और ब्लैक, तो इस कलर के हिसाब से देखोगे तो अभी मैं ऐसा प्लेन लगाऊंगा इन दोनों को काटते हुए, तो ये प्लेन इन दोनों के बीच से गुजरेगा, और इन दोनों के बीच से अगर गुजरेगा ये प्लेन तो क्या होगा भाई, इन दोनों के बीच से गुजरेगा तो ये दोनों मिरर इमेज नहीं बना पाएंगे, क्यों, दोनों डिफरेंट कलर हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर मैं एक प्लेन ऐसा पास करता हूँ इन दोनों को काटते हुए ऐसा, रेड और ब्लैक को, तो ये तो कट जाएंगे बराबर, लेकिन ये दोनों मिरर इमेज नहीं हो सकते, किसी भी तरह प्लेन नहीं है। अच्छा, पहला चीज़ ये, प्लेन के बारे में बात तो हो गई कि प्लेन कभी नहीं मिलेगा इस केस में। सेंटर ऑफ सिमेट्री पर सोचना ही नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री टेट्राहेड्रल में होता ही नहीं है, अब इसके अपोजिट में इधर कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का सवाल ही नहीं है। तो टेट्राहेड्रल में तो कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, केवल और केवल हमको चेक करना होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तभी गायब हो पाता है जब सारे लिगेंड डिफरेंट हो, ठीक है। तो ये इस स्थिति में इतना ही केस संभव है और कोई केस संभव नहीं है, इसलिए ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत भी नहीं है, काफ़ी यहाँ तक हो जाता है। चलिए उधर की बात कर लेते हैं, उधर पे आइए, वर्ग समतुली के बारे में। इसमें ना सेंटेंस ऐसा नहीं कि डिफरेंस बता रहा हूँ, है ना, डिफरेंस नहीं बता रहा हूँ मैं, इसका केस एक इधर कर रहा हूँ, इसका केस उधर कर लूँगा, ठीक है भाई। तो पहला आप देख लीजिए क्या, कि इधर के केस में पहला पॉइंट ना, मैं प्रकाशीय समवयता के बारे में पहले बताऊँगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता, है ना। यहाँ लिख सकता हूँ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स नेवर सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, नेवर सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। क्यों? बिकॉज ऑलवेज प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा प्रेजेंट होता है, कि बिकॉज ऑलवेज प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, ठीक है, कि ऑलवेज प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई। हाँ, अब हिंदी में लिख सकते, अब हिंदी में लिख देना चाहो तो चलो लिख ही देता हूँ भाई, इधर लिख दिया हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि वर्ग समतली स्क्वायर प्लेनर संकुल में हमेशा सम्मिति तल प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दर्शाता। ये शॉर्ट में लिखा हूँ, ठीक है, समझ जाना, ये एक केस है। कैसे समझ लीजिए आप भाई, मान लो आप इसमें सबसे डिफरेंट, सबसे अनसिमेट्रिक की स्थिति लगा दिए हो, कहने का मतलब चारों लिगेंड को अंतर अलग भी कर दिए हो, सभी लिगेंड अलग कर दिए, ABCD ऐसे, इससे ज़्यादा क्या बोला जाए, अनसिमेट्रिक स्टेज और कोई नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा संभावित
इस रचना और को नहीं सकती जिसमें आइसोमर हो। सेम ले लोगे तो आराम से प्लेन लगेगा, डिफरेंट लेके देखते हैं, डिफरेंट नहीं लगा तो सेम में तो सोचो ही मत, है ना। जैसे देखो, मान लो ये है, ये एक कॉपी के या इस बुक के ऐसा चौकोर, मान लो ये बुक होता है, थोड़ा सा लंबाई ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, आप आधा ही सोच लो, स्क्वायर जैसा बुक होता तो ये लिगेंड चारों अलग भी हो जाते तो भी मैं ऐसा प्लेन जो इस चारों लिगेंड को काटते हुए, मेटल को काटते हुए बाहर निकले, ये वाला प्लेन कभी आप हटा ही नहीं पाओगे। तो यहाँ याद रखना, ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन होता है, ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन जो सबको काटता हुआ बाहर निकले, वो हमेशा होता है, ये सबको काट रहा है, तो चारों लिगेंड डिफरेंट भी कर दो कि क्या फर्क पड़ेगा। तो कोई भी प्लेन, कोई भी सेंटर गायब हो ना हो, ये तो गायब नहीं होता, इसीलिए बोलते हैं ये प्लेन तो हमेशा है, तो फिर कहाँ से ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगा, नहीं आ पाएगा, है ना भाई। ये है इसका मुख्य कारण। दूसरा पॉइंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज पॉसिबल। अब कैसे, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कुछ कुछ में जैसा नहीं होता, कभी कभी होता है। जैसे मैं यहाँ देता हूँ, MA4 नहीं होगा, MA3B इसमें भी नहीं होगा, MA2B2 होगा, MABCD होगा। अब वो कैसे, उसको अगले स्लाइड में दिखाते हैं, अगले बोर्ड में दिखाते हैं इसको साफ करके। तो पहले आप इतना अच्छे से नोट कर लीजिए, क्लियर भाई, तो नोट करें फिर बात करते हैं। अब हम लोग जो राइट साइड जो लिखे थे ना कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में स्टीरियोआइसोमेरिज्म राइट साइड का हिस्सा जो बचा हुआ हिस्सा, उसको यहाँ पर पूरा कर रहा हूँ, ठीक, पूरा कर रहे हैं, उसको देखें कैसे। जैसे सपोज करो MA4, मतलब सारे लिगेंड सेम, तो इस समय तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलता है आपको, आपसे पहले ही बात हो चुका है इस बारे में कि ऐसे अगर सेम लिगेंड लगाओगे तो कई तरह का प्लेन लग जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री कई सारे हैं, ऐसा प्लेन भी लगेगा, ये पूरा काटते हुए प्लेन लगेगा। तो यहाँ पर तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हमको मिलेगा नहीं, पहले हमको देखना था, लेकिन ज्योमेट्रिकल, तो ज्योमेट्रिकल भी संभव नहीं है। कैसे, इसको अगर ऐसे पलट देता हूँ तो भी तो वही स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पहले देख लेना चाहिए, नहीं है, ऑप्टिकल भी नहीं है, ओके। A3B अगर हम यहाँ ए, अब ऑप्टिकल को मैं बार बार बात नहीं करूँगा, ऑप्टिकल तो होता ही नहीं है, हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है, ठीक है, केवल ज्योमेट्रिकल की बात करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। A3 और B, आप सोचिए अगर मैं इसको यहाँ पलट दे, बी को यहाँ ले आता हूँ, तो भी तो अभी क्या है, अभी ए के सीस में भी ए है, बी के सीस में ए है दोनों तरफ, और ट्रांस में भी ए है। अगर मैं बी को यहाँ ला के ए यहाँ ला ट्रांसफ़र कर देता हूँ ऐसे, तो यहाँ आने के बाद भी बी के, अच्छा, दोनों तरफ सीस में ए मिलेगा, ट्रांस में भी ए मिलेगा, कहने का मतलब कोई पोजिशन नहीं बदल रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म संभव नहीं है। A2B2 में संभव है, कैसे, यहाँ से देखिए, एक स्ट्रक्चर मैं ऐसे बनाता हूँ, ए ए और ये बी और बी, और एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाता हूँ, ए और ए यहाँ, बी और बी यहाँ। अब बताइए, ये दोनों ग्रुप सेम ग्रुप सेम साइड है, और यहाँ सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, तो इसको बोलते हैं सिस फॉर्मेट और इसको बोलते हैं ट्रांस, तो यहाँ संभव है, हाँ ना भाई। फिर उसके बाद देखिए, MABC2 है, इसको भी सोच के देख लेते हैं, इस दो सेम है ना, उसको पहले देखो, सेम को मैं ऐसा लिखा हूँ, CC और ये AB, एक स्ट्रक्चर हो गया। और क्या हो सकता है, ये C और C को अपोजिट कर दो और A और B को अपोजिट कर दो, ये देखो C और C के रेस्पेक्ट में सिस और C और C के रेस्पेक्ट में यहाँ ट्रांस, ऐसा स्थिति संभव है। आइसोमरिज्म समझ में आ रहा है कि कब सिस बोल रहे हैं, कब ट्रांस बोल रहे हैं। ऐसा अगर चार हो, मैं इसको ना यहाँ जगह है यहाँ लिखूँगा, हाँ देखें, ABCD अगर चारों लिगेंड डिफरेंट हो तो सोचते हैं कैसे कैसे संभावनाएं हो सकती हैं। ए के अगेंस्ट में मैं मान लो बी रखता हूँ, सी और डी को यहाँ रखता हूँ, एक बार ए के अगेंस्ट में बी के बाद अब सी रखता हूँ और यहाँ बी और यहाँ पर डी कर देता हूँ, ए के अगेंस्ट में एक बार डी रखता हूँ, ठीक है, और बी और सी रख देता हूँ। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, सभी तो आ गए, ए के अगेंस्ट में बी आ गया, ए के अगेंस्ट में सी आ गया, ए के अगेंस्ट में डी आ गया, ए के सीस में सी है, ए के सीस में डी है, ए के सीस में बी है, ए के सीस में डी है, ए के सीस में बी है, ए के सीस में सी है, सभी तो संभव हो गया है। तो यहाँ पर तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर संभव है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ आप सिस ट्रांस नहीं बोल पाएंगे, संभव नहीं है सिस ट्रांस बोलना। तो सिस ट्रांस बोलने के लिए जरूरी चीज़ क्या है, कम से कम दो ग्रुप सेम हो, तब आप सिस ट्रांस बोल पाओगे। जैसे सी सी सिस बोले, सी सी ट्रांस बोले,
तो सेम ग्रुप का होना जरूरी है सिस्ट्रांस बोलने के लिए। लेकिन ऐसा कहीं ऐसा ये भी नहीं है सही कि सिस्ट्रांस नहीं बोल सकते मतलब ज्योमेट्रिकल नहीं हो सकते, ये बोलना गलत होगा। सिस्ट्रांस नहीं बोल सकते भले, लेकिन ज्योमेट्रिकल है। ज्योमेट्रिकल का क्या डेफिनेशन है, पहचान क्या है, कोई भी दो ग्रुप को आप ऐसे बदलो तो नया स्ट्रक्चर नया अरेंजमेंट दिखना चाहिए। जैसे इसमें से कोई भी नया स्ट्रक्चर को बदलूंगा तो इसका एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा, इससे नया, इसको बदलूं तो इससे नया, इससे बदलूं तो इससे नया बन जाएगा। ओके, तो इसलिए हम उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं भले वो सिस्ट्रांस नहीं बोला जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपसे। चलिए भाई नोट कर ले बहुत अच्छे से।